नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति रस्तोगी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पेलिमोन का एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम। लेकिन सबसे पहले ये स्व घोषणा, यह सामग्री विशेष रूप से शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। आर्थिक, वाणिज्यिक अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सामग्री के उपयोगार्थ इसे किसी और के साथ वितरित, प्रसारित या साझा नहीं करेंगे और इसका उपयोग व्यक्तिगत ज्ञान की उन्नति के लिए ही करेंगे। इस ई कंटेंट में जो जानकारी की गई है वह प्रमाणित है और मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम है। अब जब हम प्रॉन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो प्रॉन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में चार मेन पार्ट्स होते हैं, एंटीनरी ग्लैंड्स, लेटरल डक्ट्स, रीनल सैक और इंटेग्यूमेंट। लेकिन जब हम क्लास क्रस्टेशिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो क्लास क्रस्टेशिया में एंटीनरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो आमतौर पर लार्वल स्टेजेस में पाए जाते हैं, जबकि मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो एडल्ट्स या वयस्क एनिमल में पाए जाते हैं। लेकिन डेकापोडा में उसका उलट होता है या विपरीत होता है। एंटीनरी ग्लैंड्स जो होते हैं यहाँ पर क्लास डेकापोडा में वो एडल्ट्स में फंक्शनल या वयस्क एनिमल में फंक्शनल होते हैं। कभी कभी मैक्सिलरी ग्लैंड्स लार्वल स्टेजेस में एक्टिव होते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें एंटीनरी ग्लैंड्स ही फंक्शनल होते हैं। तो इस प्रकार से क्रस्टेशिया में और प्रॉन में एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो चार पार्ट्स हैं वो हैं एंटीनरी ग्लैंड्स, लेटरल डक्ट्स, रीनल सैक और इंटेग्यूमेंट। एंटीनरी ग्लैंड तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंड सैक, लेबरिंथ या ग्लैंडुलर प्लेक्सस और ब्लैडर। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड सैक की। एंड सैक जो होता है किडनी के आकार या बीन शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बाहर की तरफ होता है और सॉरी अंदर की तरफ होता है। ये होता है ब्लैडर और लेबरिंथ के बीच में। एंड सैक के मध्य में एक बहुत बड़ा लैक्यूना होता है, ब्लड लैक्यूना प्रेजेंट होता है और इसकी जो आउटर वॉल है ये डबल लेयर्ड या टू लेयर्ड आउटर वॉल है और ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होती है। जो इंटरनल उसकी लेयर है आउटर वॉल की वो अंदर की तरफ एक प्रोजेक्टेड होती है बहुत सारे रेडियल सेप्टा के रूप में। जो आउटर लेयर है वो थिक है और वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और उसमें बहुत छोटे छोटे ब्लड लैक्यूना या ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो उसकी इनर लेयर है जो कि काफ़ी थिन होती है और ये बनी हुई होती है एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, जिनमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रैन्युलर होता है और न्यूक्लियस इनमें काफी बड़ा होता है। जो लेबरिंथ है ये काफी बड़ा होता है एंड सैक के मुकाबले और ये बाहर की तरफ पाया जाता है। इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग और कॉइल्ड या कुंडलीकृत एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये एम्बेडेड होते हैं सारे के सारे एक्सक्रीटरी ये कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स रहते हैं और इन ट्यूब्यूल्स में बीच बीच में ब्लड लैक्यूना या ब्लड स्पेसेस होते हैं। ट्यूब्यूल्स में एक सिंगल लेयर होता है एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स का और जितने भी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं ये एक सिंगल एपर्चर के द्वारा एंड सैक में खुलते हैं, किंतु ब्लैडर में इनकी बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। नेक्स्ट इज ब्लैडर। एंड सैक के अंदर की तरफ एक ब्लैडर प्रेजेंट होता है या यूरिनरी ब्लैडर इसको आप कह सकते हैं। ये थिन वॉल्ड होता है और ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है, एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं यहाँ पर भी और इनर वॉल जो होती है वो अंदर की तरफ प्रोट्रूडेड होती है या प्रोजेक्टेड होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरेटर या डक्ट जो कि बाहर की तरफ खुलती है एक रीनल पोर के द्वारा और ये रीनल पोर एंटीना के कॉक्सा में प्रेजेंट होता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लेटरल डक्ट। जो ब्लैडर है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है लेटरल साइड में लेटरल डक्ट के द्वारा और दोनों साइड के जो लेटरल डक्ट हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा। ब्रेन के ठीक सामने ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव प्रेजेंट होता है और ये दोनों डक्ट्स दोनों लेटरल डक्ट्स भी पीछे की तरफ जाती हैं और ये खुलती हैं रीनल सैक में। रीनल सैक जो होता है ये काफी बड़ा एक थैले की आकार का स्ट्रक्चर होता है, कार्डियक स्टमक और कैरापेस के बीच में प्रेजेंट होता है और इसकी पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी जो है वो गोनाड्स तक ये जाता है।
रीनल सैक भी सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ होता है और इसमें भी ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एंटीमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स या और एक्सेस वाटर को ब्लड में से बाहर निकालते हैं, और इनके साथ साथ इनका एक और फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन का। इसमें जो एंड सैक्स हैं वो अमोनिया कंपाउंड्स रिमूव करते हैं, जबकि यूरिक एसिड और बाकी के नाइट्रोजिनस वेस्ट मेटल्स जो होते हैं वो लेबरिंथ या अन्य पार्ट्स के द्वारा रिमूव किए जाते हैं। जो एक्सक्रीटरी फ्लूड है वो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है और उसके बाद रीनल अपर्चर या रीनल पोर के द्वारा बाहर इसको निकाल दिया जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रॉन में वो है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट जो होती है नॉन लिविंग काइटिनस कवरिंग होती है, और जब भी मोल्टिंग होती है तब ये कास्ट ऑफ हो जाती है। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो सिक्रीट होते हैं बॉडी के द्वारा वो इस इंटेग्यूमेंट के ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं, और जितनी दफ़ा मोल्टिंग होती है उतनी दफ़ा ये इंटेग्यूमेंट के साथ साथ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कास्ट ऑफ या बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। कैलिमोन या प्रॉन का नर्वस सिस्टम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके चार मुख्य पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रेन, उसके बाद होता है इसमें सर्कम इसोफेजियल कमिश्योर, फिर होता है इसमें वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, और चौथा पार्ट होता है इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जबकि जितने भी नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलती हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं, और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं, तो विसरल कनेक्टिव, कमिश्योरल गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन। इनके बारे में हम डिटेल में आगे बताते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पेलिमोन का जो नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके चार पार्ट्स हैं, जैसे कि पहले भी बताया था, ब्रेन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सर्कम इसोफेजियल कमिश्योर, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन की। जो ब्रेन होता है वो रोस्ट्रम के बेस में प्रेजेंट होता है, इसोफेगस के आगे होता है, और इसके चारों तरफ एक काफ़ी थिक लेयर होता है, थिक मास होता है फैट का, जिसके अंदर ये एम्बेडेड रहता है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर है और बहुत सारे गैंग्लिया के फ्यूजन से बना हुआ होता है। ब्रेन के साइड में जो नर्व्स निकलती हैं वो सबसे पहले है एंटीन्यूलरी नर्व। एंटीन्यूलरी नर्व जो है वो एंटीन्यूल में जाती है और तुरंत ही ये ब्रांचिंग हो जाती है। इसमें एक नर्व निकलती है इसमें स्टैटोसिस्ट के लिए, जो कि स्टैटोसिस्ट को सप्लाई करती है। जो दूसरी नर्व निकलती है वो है ऑप्टिक नर्व, जो कि आईज को सप्लाई करती है। साथ ही एक निकलती है ऑप्थेल्मिक नर्व, जो कि आई स्टॉक के मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। फिर निकलती है एंटीनरी नर्व, ये ऑप्टिक नर्व के पीछे से निकलती है, काफ़ी मोटी एंटीनरी नर्व निकलती है, ये भी ब्रांच नर्व होती है। जो इसमें आउटर ब्रांच है वो सप्लाई करती है स्क्वैमा को, जबकि जो इनर ब्रांच है वो एंटीना के फीलर को नर्व सप्लाई करती है। इसके ठीक पीछे एक टेग्यूमेंटल नर्व निकलती है जो कि नर्व सप्लाई करती है लेब्रम। नेक्स्ट है सर्कम इसोफेजियल कमिश्योर। ये सर्कम इसोफेजियल कमिश्योर जो है ब्रेन से पोस्टीरियर साइड में एक पेयर नर्व्स की होती हैं, जो कि इसोफेगस के दोनों ओर घेरा बना करके निकलती हैं, पीछे की तरफ आती हैं, और वेंट्रल साइड पे ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन में यूनाइट हो जाती हैं। जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास का इंटीरियर पार्ट है, जो कि उसके साथ बहुत अच्छे से फ्यूज रहता है। जो दोनों कमिश्योर्स हैं इनमें आगे की तरफ एक एक कमिश्योरल गैंग्लियन होता है, और पीछे की तरफ ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एक ट्रांसवर्स कमिश्योर के द्वारा। एक कमिश्योरल गैंग्लियन जो है इससे एक मैंडिबुलर नर्व निकलती है, जो कि अपनी साइड के मैंडिबल को नर्व सप्लाई करती है। वेंट्रल इसके बाद आता है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास।
वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास जो है वो 11 पेयर ऑफ गैंग्लियॉन्स को मिलाकर के एक सिंगल गैंग्लियोनिक मास बनता है। इस इन 11 में से जो पहले 3 गैंग्लिया हैं वो वहाँ से सिफेलिक नर्व्स निकलती है, और पीछे के जो 8 हैं वहाँ से थोरेसिक नर्व्स निकलती है। तो यहाँ से निकलने वाली जो सिफेलिक नर्व्स हैं, आप ये देख सकते हैं, एक मैंडिबुलर नर्व निकलती है सरकम इसोफेजियल कमिश्योर से, और दूसरी मैंडिबुलर नर्व निकलती है जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है वहाँ से। सबसे पहले जो सिफेलिक नर्व निकलती है एक है मैंडिबुलर जो मैंडिबल को सप्लाई करती है, उसके बाद है मैग्जिलुलरी जो कि मैग्जिलुला को सप्लाई करती है, और उसके बाद है मैग्जिलरी जो कि मैक्सिला को नर्व सप्लाई करती है। इसके बाद 8 थोरेसिक गैंग्लिया हैं। इन 8 थोरेसिक गैंग्लिया में पहले 3 जो गैंग्लिया हैं वहाँ से 3 मैग्जिलिपीड्स के लिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेयर ऑफ मैग्जिलिपीड्स के लिए पेयर ये नर्व्स निकलती हैं, और बाद की जो 5 हैं वो 5 नर्व्स होती हैं वॉकिंग लेग्स के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के लिए। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास पीछे की तरफ कंटिन्यू होता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसमें प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट में एक एक पेयर गैंग्लिया होता है, एब्डोमिनल गैंग्लिया होता है, और जो पहले 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया हैं उनमें से प्रत्येक एब्डोमिनल गैंग्लिया से 3 नर्व्स निकलती हैं। सबसे पहला पेयर ऑफ नर्व्स जो है वो पीडल नर्व है जो कि उसके प्लियोपॉड को सप्लाई करता है, उसके बाद की जो नर्व है वो एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करती है, और जो तीसरी नर्व है वो है फ्लेक्स जो फ्लेक्सर मसल्स को सप्लाई करती है। जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है जिसको स्टेलेट या 6th एब्डोमिनल सेगमेंट कह सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है, और इसमें से 2 पेयर नर्व्स की जाती हैं। सबसे पहले 2 पेयर नर्व्स की जाती हैं टू द यूरोपॉड, 2 पेयर नर्व्स की जाती हैं टू द फ्लेक्सर मसल्स, और 2 पेयर नर्व्स की जाती हैं, सॉरी एक सिंगल नर्व जाती है हाइंड गट में जो कि हाइंड गट को सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम। इसमें बहुत थोड़े गैंग्लिया और नर्व्स होती हैं। एक छोटी सी नर्व होती है जो कि ब्रेन के पोस्टीरियर साइड से बीच से आती है, जिसमें 2 विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें जो पहला गैंग्लियन है वो जुड़ा हुआ होता है सरकम इसोफेजियल कमिश्योर से विद द हेल्प ऑफ कमिश्योरल गैंग्लियन। यहाँ पर ये कमिश्योरल गैंग्लियन से जुड़ा हुआ होता है ये, और जो सेकेंड गैंग्लियन है इससे 2 पेयर नर्व्स की जाती हैं जो कि ईसोफेगस की वॉल्स को और कार्डियक स्टमक की वॉल्स को नर्व सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन्स ऑफ पेलिमोन। पेलिमोन में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कंपाउंड आइज, स्टैटोसिस्ट, टेक्टाइल ऑर्गन्स एंड ऑल्फैक्टरी सीटिंग। तो सबसे पहले कंपाउंड आइज, कंपाउंड आईज जो होती हैं इसमें इनमें काफ़ी बड़ी मोटी आईज होती हैं इसकी, और ये मूवेबल जॉइंट्स 2 जॉइंटेड स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है कंपाउंड आई का। इसमें 2 जॉइंटेड स्टॉक होती है, 2 जॉइंट्स होते हैं स्टॉक में, और ये जो आई स्टॉक निकलती है ये एक ऑर्बिटल नॉच से निकलती है जो कि रोस्ट्रम के बेस में प्रेजेंट होती है। प्रत्येक आई में बहुत सारे इंडिपेंडेंट या पृथक विजुअल एलिमेंट्स या यूनिट्स होते हैं जिनको कहते हैं ओमेटीडिया। ओमेटीडिया का मतलब होता है छोटी छोटी आँख। इस प्रकार की आँख जिसमें कि बहुत सारी छोटी छोटी आँख या ओमेटीडिया से या ओसिलाई से बनी हुई होती है उनको कहते हैं कंपाउंड आइज, और कंपाउंड आइज जो होती हैं वो आर्थ्रोपोडा की आइज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। तो अगर हम एक एलएस देखेंगे कंपाउंड आई का, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो इसके पार्ट्स हैं इसमें जो ओमेटीडिया हैं वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, और इसके जो पार्ट्स हैं वो है सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया जो है इसका आउटर मोस्ट कॉन्वेक्स लेयर है आई का, और ये ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल से बना हुआ होता है। सरफेस व्यू में कॉर्निया जो है उसमें बहुत सारे स्क्वायर स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, और प्रत्येक स्क्वायर जो है या चौकोर जो है वो एक ओमेटीडिया को एग्जिबिट करता है, और इसमें ये ग्राफ पेपर की तरीके से नज़र आता है।
और जो मेटीडिया है होते हैं, इसमें पार्ट्स जो होते हैं कॉर्निया है, उसके बाद क्रिस्टलाइन कोन है, फिर रैबडोम है। रैबडोम्स जो है वो रेस्ट करते हैं एक बेसल मेम्ब्रेन पे, और नर्व सप्लाई होती है, दिस इज द ऑप्टिक गैंग्लियन। और इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो आई का है वो इस प्रकार से है कि जो कॉर्निया होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। आप देख सकते हैं कि बीच में इसमें हर एक फैसेट में इस तरीके से दोनों साइड से कॉन्वेक्स उसकी मार्जिन होती है। ये क्लियर या ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल से बना हुआ होता है। जितना भी बाइकॉन्वेक्स कॉर्निया है, जो फैसेट्स हैं इसके, उसके ठीक नीचे दो सेल्स होते हैं जो कि कॉर्नियाजन सेल्स होते हैं, और ये जो कॉर्नियाजन सेल्स हैं ये कॉर्निया को रिप्लेस करते रहते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो कॉर्निया बनाना होता है। इस ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं। जैसे ही पुराना वाला कास्ट ऑफ होता है मोल्टिंग के दौरान, तुरंत ये नया कॉर्निया बना देते हैं। कॉर्नियाजन सेल्स के नीचे होते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स, या इनको इनका दूसरा नाम होता है विट्रेले, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, होमोजिनस क्रिस्टलाइन कोन होती है इसमें, और ये चार सेल्स का एक समूह होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन कोन इनके बीच में होती है, और ये दूसरे लेंस की तरह काम करती है, और इसके चारों तरफ ये चार सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आंख का वो भाग कॉर्निया से लेकर के कोन के एक्सट्रीम पार्ट तक, ये इतना हिस्सा जो होता है वो डायट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, और इसका जो कार्य होता है वो होता है लाइट को ये फोकस करता है रिसेप्टर रीजन पे। कोन के नीचे का जो हिस्सा होता है वो रिसेप्टर रीजन होता है अप टू द ऑप्टिक नर्व। तो कोन सेल्स के ठीक नीचे होते हैं रैबडोम या रेटिनल सेल्स। ये सात सेल्स का, सेवन सेल्स का एक समूह होता है, और इनके बीच में रैबडोम प्रेजेंट होता है। जो रैबडोम होता है ये इसमें ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल स्ट्राइशंस या पतली पतली धारियां होती हैं, और रेटिनल सेल्स जो होते हैं ये काफी लंबे होते हैं, और ये मिलकर के बनाते हैं रिसेप्टर रीजन। जो रेटिनल सेल्स का इनर एंड है वो एंड रेस्ट करता है बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके बाद ये कंटिन्यूड होते हैं इनटू द नर्व फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक गैंग्लिया। उसके बाद ये नर्व फाइबर्स के साथ कंटिन्यूअस होते हैं। बाकी जो इसमें पार्ट्स हैं वो है क्रोमेटोफोर्स। जितने भी ओमेटीडियम होते हैं या ओमेटीडिया होते हैं, वो अपने बराबर वाले ओमेटीडिया से एक शीथ से डिवाइडेड होते हैं, एक परत होती है इनके बीच में जो कि पिगमेंट सेल्स की या क्रोमेटोफोर्स की होती है। और ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये दो सीरीज में होते हैं। जो बाहर की तरफ वाली सीरीज होती है जो कि कोन सेल्स के बीच में होती है, उसको कहते हैं आयरिस पिगमेंट, और इनर सीरीज जो अंदर की तरफ वाली जो सीरीज होती है उसको कहते हैं रेटिनल पिगमेंट। और इसमें कुछ एमीबॉइड पिगमेंट सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग पोजीशन ले लेते हैं लाइट की इंटेंसिटी के अनुसार। प्रॉन में जो विजन होता है वो मोजेक विजन होता है, और इसमें काफी कॉम्प्लेक्स होता है ये मोजेक विजन। मोजेक विजन का मतलब है कि जो इमेज बनती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनती है। जैसे ग्राफ पेपर पे कोई डिजाइन होता है, या हम छोटे छोटे टाइल्स को जोड़ करके कोई डिजाइन बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो विजन होता है वो छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ करके एक पूरी इमेज यहाँ पर बनती है। और इसमें फोकसिंग एबिलिटी क्योंकि काफ़ी कम होती है, तो इमेज की क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, और इस तरह की जो आईज होती हैं ये मोशन बहुत अच्छे से पिक करती हैं पेरिफेरल विजन के लिए। ये फोटो रिसेप्शन के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन और क्योंकि ये एक मूवेबल स्टॉक है इनकी जो कि हिलती रहती है, तो इनको 360 डिग्री का लगभग इनको विजन मिल जाता है। तो जो इमेज बनती है यहाँ पर वो एक कंपोजिट इमेज बनती है। इमेज यहाँ पर दो प्रकार की बनती है, एक तो होती है एपोजिशन इमेज और दूसरी होती है सुपर पोजिशन इमेज। जो एपोजिशन इमेज बनती है वो उस समय बनती है जब ब्राइट लाइट में या डे टाइम में पिगमेंट सेल्स जो होते हैं वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, सो दैट कि
जितने भी ओमेटिडिया होते हैं एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। तो जो लाइट सीधी पड़ती है वो तो नीचे तक जाती है रिसेप्टर रीजन तक, लेकिन जो ओब्लिक या किसी एंगल पे पड़ रही है वो जो जितने भी ये पिगमेंट सेल्स हैं ये उसको एक दूसरे ओमेटिडिया में पास नहीं होने देते हैं। तो इस वजह से जो इमेज बनती है वो एक ग्राफ पेपर की तरीके से होती है, छोटे छोटे टुकड़े मिला करके ये पूरी इमेज बनती है। इसकी जो शार्पनेस होती है ये डिपेंड करेगी इसके ऊपर कि कितने ओमेटिडिया जो है इसमें एक इमेज बनाने में इन्वॉल्व्ड हैं और उनका आइसोलेशन एक दूसरे से ओमेटिडिया का कितने अच्छी तरीके से हो रहा है। इस तरह का जो विजन है वो शॉर्ट साइटेड एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है जो कि नाइट ब्लाइंड है और जैसे कि बटरफ्लाइज हैं। तो इस तरह की इमेज जो होती है बहुत अच्छी नहीं होती है और ये छोटे डिस्टेंसेस के लिए ही काम करती है। इसी वजह से अधिकतर आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं वो शॉर्ट साइटेड होते हैं। जो दूसरी इमेज है वो है सुपरपोजिशन इमेज। सुपरपोजिशन इमेज बनती है जब डिम लाइट होती है। जब डिम लाइट होती है तो जो पिगमेंट सेल्स होते हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं और थोड़ा सा डिस्टल एंड्स की तरफ आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि सीधी लाइट तो जाती है, साथ ही साथ जो लाइट रेज ओब्लिक या किसी एंगल पे पड़ रही हैं वो भी रिसेप्टर रीजन तक जाती हैं। इससे होता क्या है कि जो छोटे छोटे यहाँ पे सेगमेंट्स हमारे बन रहे थे वो अब अपने बराबर वाले सेगमेंट्स के साथ कुछ हिस्सा ओवरलैप करता है। तो ओवरलैप होने की वजह से जो इमेज मिलती है वो एक सुपर इम्पोज हो जाती है एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी इमेजेस। तो इमेज जो मिलती है वो बहुत शार्प तो नहीं होती है लेकिन जो मूवमेंट होती है बहुत अच्छे से परसीव कर लेती है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि मॉथ्स हैं, फायरफ्लाइज हैं, उनमें तो आईज हमेशा इस तरीके से सेट होती हैं, लेकिन प्रॉन के अंदर क्या है कि ये अपने आईज को दोनों प्रकार के विजन के लिए अपने आप को ये एडजस्ट कर सकता है। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स ऑफ एनर्जी को ब्रेन तक लेके जाती है और उसके बाद उनकी एक मेंटल इमेज बन जाती है। जो नेक्स्ट रिसेप्टर ऑर्गन है दैट इज द स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट जो होती है बहुत छोटे मोती नुमा या बीट के जैसे क्यूटिकल के बने हुए हॉलो सैक होते हैं और एंटीन्यूल के प्रीकॉक्सा के बेसल सेगमेंट में होते हैं, प्रीकॉक्सा में या बेसल सेगमेंट में होते हैं, उसकी डॉर्सल वॉल से अटैच्ड होते हैं। बाहर की तरफ ये कॉनकेव डिप्रेशन के द्वारा खुलते हैं जिसको कहते हैं स्टैटोसिस्टिक अपर्चर। ये इसकी पोजीशन है स्टैटोसिस्ट की प्रीकॉक्सा में। और जो स्टैटोसिस्ट होता है इसके अंदर आप ये देखेंगे कि ओवल आकार में इसमें सेंसरी सीटी अरेंज होते हैं और बीच में स्टैटोलेट्स या सैंड ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें रिसेप्टर सीटे होते हैं उनके अंदर एक छोटी सी नर्व एंड नर्व फाइबर की सप्लाई होती है और इसमें जो बेस होता है वो सोलन बेस होता है, एक शाफ्ट होता है और उसके ऊपर ब्रिसल्स अरेंज होते हैं जो कि स्टिमुलाय परसीव करते हैं। स्टैटोसिस जो होता है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी मोल्टिंग होती है तो जितने भी सैंड पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये भी मोल्टिंग के साथ निकल जाते हैं। इस वजह से मोल्टिंग के तुरंत बाद जो प्रॉन होता है वो थोड़ा सा उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब रहता है, फिर ये वापस से कुछ सैंड पार्टिकल्स को अंदर की तरफ लेता है और तब उसका इक्विलिब्रियम सेंट होता है। नेक्स्ट इज द टैंगो रिसेप्टर्स। प्रॉन में सेंस ऑफ हियरिंग प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन ये जो एनिमल है ये काफी हद तक टच रिसेप्टर्स इसके काफ़ी या टैंगो रिसेप्टर्स इसके बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। ये प्लूमोज या पंख के आकार के सीटे होते हैं इसमें, जिसमें कि ये होते हैं जो अपेंडेजेस होते हैं उनके फ्लैटेंड पोर्शन के ऊपर या जैसे कि प्लियोपॉड्स हैं उनके रेमाई के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी नीचे फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, क्यूटिकल आउटर क्यूटिकल रहता है, सोलन बेस है, शाफ्ट है जो कि हॉलो है और ऊपर की तरफ ये आप ये देखें कि इसकी टेपरिंग एंड है और इसमें दोनों साइड्स में बार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लेड है उसमें जो बार्ब्स हैं वो आप ऊपर की तरफ टेपर होते चले जाते हैं, मतलब नीचे सबसे बड़े फिर थोड़े थोड़े छोटे होते चले जाते हैं। और एंटीनी की दोनों फीलर्स में भी टैंगो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द
ऑल्फैक्टरी सीटी या कीमोरिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी सीटी या कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं ये केमिकल स्टिमुलाई को परसीव करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं माउथ पार्ट्स पर, एंटीन्यूल्स के फ्लैजिला पर, गिल चैम्बर्स पर, और इसमें ऑल्फैक्टरी सीटी प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी सीटी में भी एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, हॉलो शाफ्ट होता है, और एक ऊपर इसमें ब्लेड होता है जो कि ब्लंटली राउंडेड है। एक नर्व फाइबर है जो कि एंटीनोलेरी नर्व से अटैच्ड होती है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर द प्रोप्रियोसेप्टर्स। ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये इंटरनल स्टिमुलाई परसीव करते हैं जो कि पोस्चर और मस्कुलर फंक्शन से रिलेटेड होती है। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मैंने दो बुक स्टडी करी हैं। एक तो है आरएल कोटपाल की, पहली ये मैंने लिया है, पैलीमोन मेलकम सुनाए फ्रेश वाटर प्रॉन, ये बुक है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इन इनवर्टिब्रेट्स बाय रस्तोगी पब्लिकेशंस। और दूसरा जो है वो मैंने लिया है ईएल जॉर्डन एंड पीएस वर्मा की इनवर्टिब्रेट जूलॉजी के पैलीमोन या प्रॉन चैप्टर से, जो कि एस चांद एंड कंपनी से पब्लिश होती है। थैंक यू।